दोस्तों आज है जुमा का दिन, आज यहाँ पे सबको छुट्टी रहती है, आज यहाँ पे सबको छुट्टी रहती है, मगर अपनी कोई छुट्टी नहीं है दोस्तों। आज मुझे बोला गया है कि आज वहाँ तुमको जाना है, जहाँ ऊंट और बकरी इनका रहता है वहाँ पे जाना है दोस्तों। अब वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कितना काम होता है, क्या क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो अभी हम निकल रहे हैं, मैडम को छोड़ दिया था उसके बहन के यहाँ, अभी मेरे को जाना पड़ रहा है वहाँ पे, देखते हैं दोस्तों क्या काम करना पड़ता है। दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आया हूँ दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में अगर कोई नया बंदा आ जाता है ना तो जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। देख सकते हैं आप दूर दूर जो आपको वो दूर घर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे दोस्तों एक अपने इंडियन भाई हैं, जिसके पहले मैं ठंडी में आया था तो उन लोगों से मुलाकात भी हुई थी। तो आज भी एक बंदा जो है ऊँट चराते चराते इधर मेरे पास आया था, मैं ज़्यादा उससे बात नहीं कर पाया और ना ही वीडियो बना पाया, क्योंकि बूढ़ा मेरे सामने मतलब साथ में था। तो आप देख सकते हैं इतनी दूर दूर जहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर यहाँ कोई नया बंदा आ जाए ना तो कितना भी रोए कितना भी बिखले भाई कुछ हो नहीं सकता उसका, क्योंकि यहाँ पे उसको रास्ता भी नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ क्या करूँ। और ये लोग का एक मालूम है, अगर ये लोग ला के छोड़ देते हैं तो जब इनको कुछ समझ में आएगा तो खाने पीने वाला सामान लेके जाएंगे। देख सकते हैं इसमें जो है मैं आया था ठंडी में तो यहाँ पे ऊँट ऊँट सब थे, अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं पूछा एक जन से तो इसका यहाँ पे एक हिंदी था मतलब, तो मैं उससे पूछा तो बोल रहा है यार उसका लड़का भेज भाज दिया है, मैं अकेले पड़ा हूँ यहाँ पे, अभी कोई काम भी नहीं है। तो अभी वही सामान वामान मतलब जो भी है सब सामान वामान इकट्ठा कर रहे, तब क्या करने वाला है मुझे तो पता नहीं है। देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और ये उसके बुड्ढे का लड़के की गाड़ी पंचर है यहाँ पे पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं इस गाड़ी में इतना सामान वामान हमने जो है बहुत मेहनत किया और वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बुड्ढा सामने था। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सब साफ सफाई करवाया है, करवाने के बाद में सामान इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे इतनी गर्म हो रही है ना, इतनी गर्म हो रही, कितना भी तुम एसी पंखा चला लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात तो सोलर है यहाँ पे, लाइट वगैरह है नहीं, सोलर से जो भी तुम चलाओगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इतनी गर्म लग रही है दोस्तों। देख सकते हैं कूलर भी रखा हुआ है मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सब सामान वामान हम लोगों ने इकट्ठा किया है और उसके बाद में अभी देखते हैं क्या